my dear students, how are you all? You all are great, right? This side your teacher Swati Singh from Mrs. Common School. So I hope that you all have started speaking English, right? Yes, slowly and steadily you all will speak English, ठीक है? और अभी आपने start कर दिया होगा तो धीरे-धीरे एकदम fluent English बोलेंगे, क्योंकि अभी तो level ही basic है, ठीक है? Basic हमारा strong होगा तभी तो एक advanced level बनेगा, right? Yes. So, हमने अभी तक क्या डिस्कस करा? हमने नाउन कर लिया था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, राइट? तो एक बार जल्दी से होमवर्क डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा उसमें क्या? ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, राइट? ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, तो ऑक्सीजन कॉमन नाउन होगा यहाँ पे, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे हमने उसको एज अ प्रॉपर, ऑक्सीजन को आप सोच रहे होंगे प्रॉपर नाउन, बट नहीं, यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं होगा वो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग की तरह यूज रही, इधर इट कैन बी क्लासिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट वन और एज अ कॉमन वन, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कॉमन नाउन करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक पूरी क्लास वहाँ पे ऐसा डिनोट कर रहा है, ओके? यस, द नेक्स्ट वन इज टाइम इज वेरी प्रेशियस, तो टाइम यू ऑल नो एब्स्ट्रैक्ट थिंग बिकॉज यू कैन नॉट टच एंड सी इट, राइट? यू कैन ओनली फील इट, देन बनाना, बनाना, यू रिमेंबर द रूल, आई वॉन्ट अ बनाना, अ इज देयर एंड बनाना इज नॉट इन कैपिटल, राइट? और आपको भी पता है प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, राइट? आई हैव मेड यू राइट दोज रूल्स, इफ यू हैव लाइक, अगर आपने लिखा हो देन यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट आल्सो, राइट? सो यहाँ पे बनाना क्या हो जाएगा? फिर कॉमन नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट वन गोल्ड, मटेरियल नाउन, यू ऑल नो. नेक्स्ट वन लाइट, कॉमन नाउन. व्हाई? बिकॉज स्विच ऑफ द लाइट. क्या एनी स्पेसिफिक ब्रांड हैज बीन मेंशन? नो. सो दैट इज व्हाई कॉमन नाउन. अगर वहां पे कोई स्पेसिफिक लाइक सिस्का एलईडी लाइट, स्विच ऑफ द सिस्का एलईडी लाइट, then it would have been as a proper noun, right? Yes. So all the answers are clear? Yes, students. Yes, students, in the previous part, we discussed our homework questions, right? Just mein apni homework question discuss kare, and there you understood everything correctly, right? Properly. Now it's time for a new topic, right? Or wo topic kya hai? Number. Number mein singular and plural noun, right? Yes. So see, in order to go to an advanced level of English, knowing the basics is very important. And that too for subject verb agreement. ठीक है, subject verb agreement के लिए आपको noun तो जानना बहुत जरूरी है. Noun and verb, these two things are very important, right? उसके बाद जो बाकी के topics हैं, वो तो उसमें add on करेंगे. और main thing यहाँ पे हमें focus करना है, noun आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके सारे kind समझ में आ जाए. Because then only you will be able to understand when to use which verb and how to use. Right? Yes. So noun में अभी हम singular और plural noun पढ़ेंगे. Okay? Yes. Because basics are very important. Yes. So singular. Singular noun कौन से होते हैं? Singular noun वो noun होते हैं. A noun which denotes only one person or thing. Right? ऐसे noun जो सिर्फ एक person या फिर एक चीज को denote करते हैं, classified as singular noun. Right? So just see some examples. It will be very much clear to you. First one, chair. C-H-A-I-R, chair, you all know, kursi, right? So, जब आप बोलते हैं कुर्सी, तो क्या आप वहाँ पे ढेर सारी कुर्सियों की बात करते हैं? नहीं ना, just one chair, so that is one chair. Then bus, one bus only. Baby, एक बच्चा, boy, boy, लड़का, right? लड़का या लड़के? लड़का, okay? Thief, चोर या चोर, चोर, ढेर सारे चोर, चोर बोला ना सिर्फ. Then mouse, मतलब चूहा, ढेर सारा चूहा, ढेर सारे चूहे या चूहा, चूहा, right? Then son-in-law, son-in-law means दामाद, yes. So chair, bus, baby, boy, thief, mouse, son-in-law, तो ये सारी क्या है? They denote only one person or thing at a time, right? तो इनको जब हम plural में change करेंगे, तो वो method भी हम आपको आगे बताएंगे. First let us know what are plural noun. So plural noun, a noun which denotes more than one person or thing. वो noun जो denote करते हैं एक, मतलब एक चीज, एक आदमी या एक व्यक्ति से ज्यादा या एक चीज कोई ज्यादा, राइट? एक से ज्यादा आदमी या एक से ज्यादा चीजें, तो वो क्या हो जाते हैं? वो प्लूरल नाउन में क्लासिफाई होते हैं, राइट? यस. सो जस्ट सी द एग्जांपल्स, इट विल बी क्लियर. चेयर्स, सो हियर चेयर, हियर चेयर्स, कुर्सी, कुर्सियां. देन बसेस, बसेस मतलब ढेर सारी बसें, यहाँ पे बस, बसेस. देन बेबीज, एक बच्चा, बच्चे, राइट? बॉयज, बॉयज मतलब लड़के. थीव्स, यहाँ पे ये सब, मतलब ये सारे वर्ड्स व्हेन यू लाइक, जब आप देख रहे हैं, सो लाइक अल्टीमेट यू आर लाइक रियलाइजिंग दिस बाय योरसेल्फ ओनली कि यहाँ पे किसी एक चीज की बात नहीं हो रही है, एक से तो डेफिनेटली ज्यादा है, दो, कम से कम दो है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, राइट? सो थीव्स,
क्लियर राइट? यस। सो अभी हम क्या देखेंगे, नाउ विल लाइक डिस्कस वन बाय वन के रूल्स कौन से हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू चेंज सिंगुलर फॉर्म टू अ प्लूरल फॉर्म, राइट? बिकॉज हियर ओनली यू कैन सी यहाँ पे हमने प्लूरल कैसे चेंज किया, वी जस्ट एडेड एस, राइट? देन द सेकेंड वन हमने क्या एड किया, ईएस। देन बेबी, तो इधर बेबीज हमने आई ई एस लगाया, राइट? इधर से बी एस, हियर आई ई एस। देन बॉय, यहाँ पे हमने बॉयज किया, राइट? जबकि बेबी में हमने वाई हटा के आई एस लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने आई, यहाँ पे हमने क्यू एस लगाया बॉय में। देन थीफ, थीफ में हम, थीफ में हमने सी, जस्ट सी, एफ हटा दिया और बी ई एस आ गया, राइट? देन माउस, माउस में हमने इंटरनल वोवल चेंज किया, राइट? इसलिए वो माउस, माइस हो गया। एंड देन सन इन लॉ में हमने पीछे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब में जो हमने ये एस लगाया, उधर तो हमने सब एस या ई एस जो भी हमने लास्ट में लगाया वो हमने एकदम एंड ऑफ द वर्ड में लगाया ना, बट हियर हमने यहाँ पे सन जो फर्स्ट वर्ड था है ना, इस पूरे वर्ड का जो ये सन जो है ये फर्स्ट वर्ड है, राइट? तो हमने इधर लगाया, राइट? सो अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें जानने होंगे, राइट? सो यस, नाउ विल क्विकली डिस्कस द रूल्स वन बाय वन। स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस सम रूल्स, यस। सो रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यस। सो फर्स्ट वन, वेरी सिंपल, बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के एकदम लास्ट में क्या ऐड कर दो, एस, यस। सो बैग, बैग इज सिंगुलर, बैग्स plural, and how we change back to backs, just by adding s, right? हमने सिर्फ क्या add किया, s, that too at the end, right? So bags से हमने उसको bags कर दिया, singular से plural कर दिया, bat, bats, orange, oranges, goat, goats. So there are many goats in the field, है ना? Then you can say I have two bats, मेरे पास दो bats हैं. Then I have one bag, singular. My sister has two bags. मेरी बहन के पास दो bags हैं, right? Then oranges, orange. So I like to have an orange. मुझे क्या चाहिए? एक orange. एक मैं orange लेना पसंद करूँगा. Then my father bought many oranges. मेरे पापा लेके आए. मेरे पापा ने खरीदे बहुत सारे oranges, right? Yes. So देखो, जब भी हमने प्लूरल नाउन यूज किया तो उस टाइम हम उसके साथ बताएंगे ना, लाइक मच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी व्हेन वी यूज अनकाउंटेबल और काउंटेबल, ठीक है? दो नाउन होते तो मच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर इंडिकेटिंग प्लूरालिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और काउंटेबल नाउन्स की प्लूरालिटी इंडिकेट करने के लिए जो प्लूरल होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेनी, राइट? मेनी भी यूज कर सकते हैं, देन थ्री फोर हम जो ये नंबर्स होते हैं इनको भी यूज कर सकते हैं, देन यूनिट्स ऑफ नंबर हम उनको भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो और भी जो रूल्स हैं थोड़े एडवांस लेवल वाले उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, यस। पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो, राइट? सो गोट, गोट्स, यस, कमिंग बैक टू डिस्कशन, ऑरेंज, ऑरेंजेस, बैट, बैट्स, बैग, बैग्स, एंड हाउ डू वी मेक देम सिंगुलर टू प्लूरल, बाय जस्ट एडिंग एस, राइट? क्लियर? यस। नाउ सेकेंड वन, By adding es to noun ending with, अब देखो es हम add करेंगे कौन से nouns के साथ, जो किस पे end हो, s से end हो, double s से end हो, sh से end हो, ch से end हो, या x से end हो। अब देखो, because जब आप s के साथ s लगाएंगे, s क्या आएगा, sound कितने, मतलब बहुत ही का sound आएगा, right? Then double s, sh, ch, ch भी यहाँ पे ch है, right? sh sh है, तो वहाँ पे पहले से ही एस वाली साउंड पहले से ही आ रही है, तो इसीलिए वहां पे हम सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे, राइट? यस। तो कौन सी नाउन्स के साथ आपको ई एस लगाना है, जो किस पे एंड हो, द नाउन्स व्हिच एंड विद ईदर एस और एस एस, या फिर एस एच बी, सी एच बी और एक्स बी, राइट? यस। सो एग्जाम्पल जस्ट क्विकली सी, अगर कोई भी डाउट होगा इट विल गेट क्लियर राइट अवे। सो बस, बसेस, बिकॉज इट वॉज एंडिंग हियर विद एस। अब देखो यहाँ पे ये एस है, तो इसके आगे अगर आप एस लगा दोगे तब भी क्या साउंड आएगा, बस, राइट? सो वो मतलब तो वहां से प्लूरालिटी पता ही नहीं चल रही है, दैट इज नॉट गेटिंग इंडिकेटेड ओनली, सो दैट इज व्हाई वी एडेड ई एस, बिकॉज इट वॉज एंडिंग विद एस, राइट? सो बसेस, क्लास, क्लासेस, राइट? द हियर इट वॉज सिंगल एस, नाउ इट्स डबल एस, राइट? एस डबल एस। नाउ एस एच, डिश, डिश क्या होता है पता है, डिश लाइक, एक तो आप जानते हैं डिश लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना, राइट? देन देयर डिश, जो प्लेट्स जिनमें हम खाते हैं उनको भी हम डिश बोलते हैं, ओके? सो डिश,
डिशेस एस और यहाँ पे एसएच था और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, वी एडेड ईएस. नाउ सेकंड लास्ट वन बेंच एंडिंग विद सीएच, व्हिच साउंड सीएच इज प्रोड्यूसिंग हियर, च, राइट. सो इसलिए हमने यहाँ पे आगे ईएस लगाया बेंचेस. और जब सीएच की साउंड क की आती है तो वहां पे हम सिर्फ एस लगाएंगे, इट इज एन एक्सेप्शन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. देन फॉक्स एंडिंग विद एक्स, तो फॉक्स को हम फॉक्सेस करेंगे, राइट. सो अगर हमने ईएस लगाया, सो आप समझ गए वो नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद एस, डबल एस, एसएच, सीएच और एक्स, वी हैव वी मेक देम प्लूरल बाय एडिंग ईएस. ओके स्टूडेंट्स, यस आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. यस यस स्टूडेंट्स, सो देयर आर सम एक्सेप्शंस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. सो लेट्स जस्ट क्विकली सी इट, राइट. यस, सो एक्सेप्शंस क्या है. लेटर, फर्स्ट वन, लेटर एस इज एडेड इंस्टेड ऑफ ईएस. जो लेटर एस है वो एड होता है ईएस के बजाय. See here, you know, instead. Instead का meaning बजाय. जब भी आपको बोलना हो, पहले we want to say इसके बजाय ये. So give me this instead of this. मुझे ये दो बजाय इसके. Give me an apple instead of an orange, right? मुझे एक apple दो orange के बजाय, right? Yes. So, yes. So now you got to know one word, right? Instead. So now let's go back to our discussion. So letter S is added instead of E is. Letter S add होता है. ES के बजाय उन वर्ड्स में जो किससे है वो CH में, और वो तब वेयर CH इज प्रोनाउंस्ड एज K, राइट. व्हेन CH इज प्रोनाउंस्ड एज K, जहां पे CH की जो साउंड आ रही है वो च की ना आके क की है, जैसे स्टमक ना कि स्टमच, राइट. सो क्योंकि यहां पे हम स्टमक बोल रहे हैं, यहां पे CH है और इसकी साउंड क्या आ रही है, क. सो दैट इज व्हाई वी आर एडिंग हियर S. अदरवाइज हम क्या ऐड करते, ई एस ऐड करते, जो भी सी एच से एंड हो रहे थे. ओके क्लियर. यस. सेकंड वन, सम सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ओ टेक ओनली एस इन द एंड टू मेक प्लूरल्स. कुछ सिंगुलर नाउन है जो ओ से एंड होते हैं जो कि सिर्फ एस को लेते हैं, अदरवाइज देयर आर मेनी व्हिच टेक ई एस, राइट. जैसे मैंगो, मैंगोज होता है. सो व्हाट इज द स्पेलिंग, एम ए एन जी ओ, सो एम ए एन जी ओ ई एस, राइट. सो हियर यहाँ पे आप देखो फोटो, तो इधर ई एस आया, नो वी ओनली सब्स्टिट्यूटेड इट विद एस, है ना. ई एस की जगह हमने एस लगाया है. देन पियानो, पियानोस, राइट. सो यहाँ पे वो के साथ एस, रेडियो, रेडियोस. हियर व्हाट इज कॉमन हियर, द ऑल दीस थ्री वर्ड्स आर एंडिंग विद ओ एंड हियर वी हैव एडेड एस इन ऑर्डर टू मेक देम प्लूरल, राइट. यस, सो आई होप दीस एक्सेप्शंस आर ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में अभी आपने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस. यस, सो ये क्वेश्चंस आप करिएगा, उधर से आपको पता चल जाएगा वेदर यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टॉट यू टुडे, ठीक है. सो फर्स्ट वन, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नंबर नाउन्स. ये जो ब्लैंक्स है इनको आपको अप्रोप्रिएट नंबर नाउन्स के साथ फिल करना है. लाइक फर्स्ट वन, गिव मी एन ऑरेंज और ऑरेंजेस, यू हैव टू फिगर आउट. देयर आर मेनी डैश इन द फील्ड, गोट और गोट्स. देन थर्ड वन, आई वुड लाइक टू हैव अ डैश ऑफ मिल्क, glass or glasses. You can use it at your home. I would like to have a glass of milk, a cup of coffee or cups of coffee, right. Then change from singular to plural, b part. Isme aapko kya karna hai, singular se plural noun mein change karna hai. So switch, rose, gas, tax, these four are singular nouns, you have to change them into plural noun. So students, I hope that you understood your homework properly, finished on time, and if you have any doubt, then you know that you can message us, right? एक स्कूल का जो नंबर है, आपको जो स्कूल के और वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, right? Yes. So I hope that you enjoyed today's class, और English बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, take care, yes, stay safe.